कुछ चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। सो आई गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। यार आज हम बना रहे हैं जी बेबी की चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और साथ से हम गर हमें हॉस्पिटल की बैग रेडी कर रहे हैं। हमने क्यों ना साथ साथ वीडियो बना ली जाए। जुरैला इधर अपना लगी हुई है, और उसकी मम्मा ये देखो काम में लगी हुई है। ये बताने का मकसद ये कि आप किसी चीज़ को भी काम में लेके आ सकते हैं अगर आपका वो हो तो। ठीक है, तो मैंने कुछ तो एक ड्रॉन को तो मैंने सेट किया, लेकिन ये बॉल इनको हम अच्छी तरह से जो है डिसइंफेक्ट करेंगे पहले, और ये देखेंगे इसमें आ जाएगा। और ये ऐसे पहले हम इसको डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर हम इसको इसमें रखेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ था पहले से, लेकिन हम दोबारा कर लेंगे। रूम में इतनी स्पेस नहीं है, हमने सोचा था उसमें यूरेला के भी और बेबी के भी हम कपड़े डालेंगे, लेकिन हमारे रूम में इतनी स्पेस नहीं थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने दहेज वाले सामान को भी काम में लाएं। हाँ, ये ड्रॉज यार हमारे वैसे ही भरे पड़े हुए थे, कुछ इसमें काम काज हो नहीं रहा था, तो हमने क्यों ना इनको यूज़ किया जाए। ये जो अलमारी है ये फुल पड़ी है, ये मेरे और पैमी के ड्रॉज है, और जुरैला के कुछ ना कुछ कपड़े हैं। और इसको अब ये जो दराज है ये वाला भी और नीचे वाला भी, नीचे वाला भी ना। हाँ, नीचे भी मैंने कुछ ना कुछ रखा है। तो नीचे वाले इन दोनों का मुश्किल ही है, हम छोटे बेबी की चीज़ें यूज़ कर लेंगे। इन दोनों में कुछ गंद मिला है, वो हम आपको नहीं दिखा रहे, बस ऐसे ही जो नॉर्मल रूटीन में वो देखो। चलो जी, उसे बेड का चमचा सर कर दिए। ता तर रहे हो आप क्या जी, क्या कर रहे हो? कोको बेल इतना क्यूट है, ये हमने इम्तियाज से लिया था, और इसके साथ ये इतनी प्यारी प्यारी बूटीज है, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद आया था। आप लोग भी जाके देख सकते हैं, ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ये था 799, मतलब ऑलमोस्ट 800 का। तो ये मैं इसको उतार लूँ। सो भी हम पहले से चीजें खोल कर रखते ताकि एंड टाइम पे मैं कहना मैं कॉल को करना, बस हम कॉल पे और मैनेज करते रहते हैं। जब शूज मत खोलना, मतलब उसको पैक ही रहने देना मुझे। तो हम इसको ऐसे रोल करके रखेंगे। ठीक है, साथ ही शूज भी दे दो। शूज भी ये भी रखते रहो। और ये हमने एक कौन सी जगह से लिया था हमने, ये हमने गीगा मार में एक लोकल शॉप है वहाँ से बाय किया था। ये प्राइस टैग मेरे हस्बैंड जो है वो ये इसको ऐसे पैक ही रहने दो। नहीं भी वो चलिए, ये बस ये टॉवल्स है ना छोटे छोटे, इसलिए क्या से थोड़े से मतलब 0 to 3 मंथ्स में से आगे मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन ये है कि फिर भी जो है मैंने कुछ ऐसे लिए कि हम बेबी को कवर कर सकते हैं, बेबी के काम आए। और आपको पता है कि जब बेबी छोटे होते हैं तो उनकी वो भूख भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और कपड़े भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। ये भी हमने एक गीगा मॉल की लोकल शॉप जो है ना उससे लिया। और ये देखें, ये बिल्कुल न्यू बॉर्न है, ये जितने भी कपड़े होंगे उनमें से सबसे छोटा। और मुझे लगता है ये दिल करे इसको पूरा ही वैसे स्ट्रेचेबल है, इसका टैग भी डाल। और ये छोटी सी पजामी, आई डोंट नो कि बेबी का क्या साइज और क्या वेट होगा। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बेबी के कपड़ों में से ये ज़रूर निकालें, क्योंकि उस टाइम पर जब आपको जल्दी पड़ी होती है कपड़े चेंज करने के लिए तो ये बेबी को चुप सकते हैं। लेकिन ही सो क्यूट, आई लव डैडी।
एक्चुअली ये पोलो टाइप वो जो है ना, ये वाकई बहुत क्यूट है। और ये देखिए मैंने कुछ जो है ना, मेरी अपनी सोच के हिसाब से मैंने 3 to 6 months मोस्टली लिए, या 0 to 3 months, क्योंकि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको आप खुला भी बना दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइट होगा तो वो ऑब्वियसली फिर दुख वाली बात है कि आप इतने पैसे भी खर्च करो और ऊपर से वो टाइट निकल आए तो सब कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, कुछ बीच में न्यू बॉर्न वाले हैं इसको रहने दो क्योंकि ये उसमें रहने देते ना कि गंदा वाइट है, गंदा ना हो। हाँ, और इस पर बहुत टाइम भी लगेगा अभी। ये देखिए ये भी हमने इस बेडस पे जो है अच्छा भला ऑफ लगा हुआ था, इसलिए जो है हमने सारे जो है कंफर्टेबल से जो है चूज़ किया कि वो कंफर्टेबल रहे बेबी, क्योंकि आपको पता ही है कि गर्मियों के दिन है, हालांकि एसी लगा होगा लेकिन स्टिल जो है हर वक्त तो नहीं ना एसी मिलेगा। तो ये फिर मैंने बहुत उसे चूज़ किया और ये आपको बहुत अच्छी प्राइस पे ज़ुबैदस से मिलेंगे। अगर आप जाके लेना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत गैस ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा ये देखो नाइस, ये देखो थोड़ा एसी एसी वाला स्टफ है जो क्या एसी वाला स्टफ कहने का मतलब है थोड़ा सा मोटा है ना एसी वाला स्टफ है जी, मोटा है एसी वाला स्टफ। ये देखें आप, ये देखें इसका मटेरियल कितना अच्छा, लिटरली वेरी नाइस। अंदर भी ये डबल, ये जो है ये कपड़ा डबल है, सिंगल नहीं है। इसको भी अच्छी तरह से हम पैक करके देना। और इसे क्या करना है, ये शॉल की ली है, ये शॉल नहीं है, ये देखो मैं पैक कर रही थी इसको, तय लगा रही थी और इन्होंने क्या किया, ये इसको क्या करना है करते हैं कुछ इसको मेरे ख्याल से खोल के ऐसे ही डाल लेते हैं सर। ये देखिए जी, एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि इसको कहते हैं थर्मल, ठीक है, ये वुलन शॉल टाइप है बेबी के लिए, बहुत बेस्ट है ये। इस्माइल से मैंने जो है ये ली थी, ये कमर्शियल में एक लोकल शॉप ही है वहाँ से ना, ये छोटा सा, ये देखें इट्स वेरी नाइस जिसका ये तालो। ये बेबी को कवर करने के लिए बहुत अच्छा है स्पेशली सर्दियों में, ये देखें साइज इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, लेकिन ये है कि आप इसको अच्छी तरह बेबी को इसमें लपेट ज़रूर सकते हैं। हाँ खोल के, इसको भी खोल के रख दो। क्वालिटी वैसे घट गई समझे एक तरह की ये देखो पीछे क्या हुआ है, बहरहाल ये कोई फर्स्ट ही है बूटीज। हाँ, ये उसको आ भी जाएंगी है ना पैरों में, क्योंकि ये जब मैं उसको पहनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल स्मॉल साइज है ये, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी का। ये मैं ऐसे ही रख रही हूँ रॉबर के साथ ही, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हैं, ये देखें इधर दरमियान में रख रही हूँ उस रॉबर के साथ। तो जी हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं, और डायपर्स जो हैं वो इसके नीचे वाले उस खाने में, ठीक है, अभी तो ये सब कुछ ही है, अभी बाकी कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं, जैसे कि वो किट है ना, कौन सी शैम्पू। हाँ, ये भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, अभी हमारी रह गई एक शैम्पू वाली, शैम्पू और जिसमें पाउडर्स वगैरह वो वाली किट एक रह गई है, और एक रह गई है कौन सी, एक वो मेडिसिन वाली, वो जो होती है मेडिसिन वाली किट। हाँ, क्योंकि एक यूरेला की किट थी वो अब पता नहीं किधर चली गई है, वो टॉमी टिपिस वालों की थी। फीडर निकालो ना, फीडर भी निकाल के वैसे ही रख लेते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी भारी भी है ये देखिए। और ये लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ये शीशे की है, ये देखिए आवाज़ आ रही है,
और ये देखे ये एंटी कॉलिक है, ये आप देख रहे हैं ये वाला जो। तो हम पापा ने जो है, मेरे पापा ने जो है वो टॉमी टीपीज वाली दी हुई है, वो छोटी वाली, वो हम उनसे ले लेंगे पहले। इसको मैं ऐसे ही रख दूँ? हाँ इसको ऐसे ही रख दूँ, साइड पे मैं फिलहाल ऐसे रखती हूँ। इसमें मैंने इसको अभी वो नहीं किया था, डिसइंफेक्ट कर दिया था। ये मैंने कुछ पैम्पर्स निकाले थे, ये यूरेला के पैम्पर्स हैं, ये बेबी के हैं, और ये यूरेला के शूज़ वगैरह मैंने इसमें रखे हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें। ये अभी इसको भी हम करेंगे, ये भी फिल हो जाएगा क्योंकि अभी प्रेजेंट्स भी मिलेंगे ऑब्वियसली नाना की तरफ से भी, और सारे नान के वगैरह जो प्रेजेंट्स देते हैं, फिर उनके लिए भी जगह होनी चाहिए।